मेरा नाम आकांक्षा है, आई एम 35 ईयर्स ओल्ड। मैं माउंटेनियरिंग करती हूँ, रॉक क्लाइंबिंग करती हूँ, मोटरसाइकिल राइड करती हूँ, अब मैं रनिंग भी करती हूँ सिंस लास्ट 3 ईयर्स। तो मैं एक दिन मोटरसाइकिल चला रही थी एक फ्रेंड की, एंड मेरा एक्सीडेंट हो गया। सो आई फेल एंड मुझे नहीं पता चला दैट इट इज़ अ लिगामेंट टेयर या जो भी है। मुझे लगा जैसे मोच वोच आती है वो हो गया है। तो मैंने रेस्ट था मेरा लाइक 1 मंथ के लिए। फिर मैंने जब वापस रिज्यूम किया तो वॉक वगैरह करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, बट आई थॉट मे बी ठीक हो जाएगा। एक दो बार डॉक्टर्स को भी दिखाया, दे सेड कास्ट लगा देंगे, रेस्ट करो, अब माउंटेनियरिंग नहीं कर सकते हो, अब आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हो, करना है हल्का फुल्का रन एंड ऑल कैजुअल जो करते हैं। मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स पर्सन हूँ एंड स्पोर्ट्स इज़ माई लाइफ, तो उसके बिना तो मैं नहीं जी सकती। सो आई शोड माई सेल्फ टू अनदर डॉक्टर, तो उन्होंने भी सेम चीज़ बोली कि अब आप ये सब नहीं कर सकते हो। ये सारी कहानी है 10 ईयर्स पुरानी। तो तब एक बार डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन होएगा, स्क्रूज लगेंगे, उसके बाद आप फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे, तो इससे अच्छा बिना ऑपरेशन के आप जितना कर सकते हो उतना कर लो। तो मैंने वैसे ही किया एंड मैंने 2-3 मंथ्स का ब्रेक दिया था। उसके बाद मैंने फिर से रॉक क्लाइंबिंग स्टार्ट किया, बट हर टाइम मेरे को मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन होता था एंड मुझे काफ़ी पेन होता था। सो मैं सारी चीज़ें जो मैं पहले कर सकती थी वो मैं नहीं कर पा रही थी, उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन होता रहा। फिर मैं अपने एक माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन में भी गई, 6,000 मीटर्स का एक पीक क्लाइंब किया मैंने इंडिया में ही। तो ऊपर तो मैं पहुँच गए, बट नीचे आते हुए इतना पेन होता है, बिकॉज सारा वेट आप एक 15-20 kgs का बैग लोड करके अपने ऊपर चल रहे होते हो। तो आप ऊपर पहुँच जाते हो, फिर भी मेरी काफ़ी स्लो पेस हो गई थी, बट थैंकफुली मेरा स्टैमिना है इसीलिए आई कुड कीप मूविंग ऑन। तो जब मैं डाउन हिल जाती थी तो मुझे नी में इतना पेन होता था, नी बार बार लॉक होता था, तो उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो होता था एंड मैं कभी कभी रोती भी थी, इतना पेन होता था, लाइक बैठ के थोड़ी देर रो के फिर से स्टार्ट करती थी। बट विदाउट अ ट्रैकिंग स्टिक और ये सारी हेल्प के बिना, नी कैप पहन के, ये सब करके फिर भी मैंने क्लाइंब किया। तो नॉट अ गुड एक्सपीरियंस डेफिनेटली। और फिर क्लाइंबिंग में भी रिस्ट्रिक्शंस होने लग गए, जैसे मैं उठ के लाइक ऑन अ डेली बेसिस अगर मैं उठ के ज़मीन से खड़े हो रही हूँ उसमें भी 3-4 बार नी लॉक हो रहा है, तो बहुत पेनफुल रहता था। तो मैंने सोचा कि मे बी अब ये एक आपके लाइफ का पार्ट बन चुका है, तो आई स्टार्टेड लिविंग लाइक दैट। बट ऑफकोर्स मेरा कॉन्फिडेंस नहीं था एंड मेरे को पीक्स और भी क्लाइंब करने थे, मुझे और भी कुछ करना था। तो 3 ईयर्स पहले मैंने रनिंग स्टार्ट करी। अच्छा, मैंने बीच में 1 ईयर का ब्रेक भी दिया था, बिल्कुल ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करे, हल्का फुल्का रनिंग, कैजुअल स्पोर्ट्स वगैरह। उसके बाद भी वो नी डेवलप नहीं हो रहा था जिस हिसाब से मैं उसको एक्सपेक्ट कर रही थी एंड मैं अपने आप को बहुत पुश कर रही थी कि वो डेवलप होए होए होए, बट वो नहीं हो रहा था। 3 ईयर्स पहले मैंने रनिंग स्टार्ट किया और मैं कोई भी शू पहनती थी या कुछ भी तो मेरे को नी में काफ़ी स्वेलिंग होती थी। मैंने फिजियोथेरेपी करवाई, मैंने कुछ थोड़ा ट्रीटमेंट्स लिए, बट वो सिर्फ मतलब इट्स अ टेम्प्ररी इफ़ेक्ट। वो 1 मंथ के लिए आपको ब्रेक मिल जाएगा, वो सब ठीक हो जाएगा, फिर से रनिंग करोगे फिर से आपको मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन पड़ेगा, आप स्टैमिना इंप्रूव कर लोगे बट आपकी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। सो जो रनर्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनको स्ट्रेंथ और स्टैमिना दोनों की ज़रूरत होती है। मेरे पास स्टैमिना था, स्ट्रेंथ नहीं था। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया, मैं एक बार फिर से पीक क्लाइंब करने गई, सेम एक्सपीरियंस। मैंने कहा इस बार आई एम नॉट गोइंग टू लीव, चाहे मेरे को फिर से 1 ईयर का ब्रेक देना पड़े। तो मैं डॉक्टर मनु बोरा से मिली। फिर फाइनली मैंने जब डिसाइड किया कि मैं अब इसको डेफिनेटली ट्रीट करवाऊंगी, मैंने एक MRI करवाया, बिकॉज मेरे फादर डॉक्टर हैं तो थोड़ा सा मुझे आइडिया था कि एक MRI करवाते हैं। मैं डॉक्टर पी के सिंह से मिली, तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया डॉक्टर मनु बोरा से मिलने के लिए, बिकॉज ही हाईली रिकमेंडेड डॉक्टर मनु बोरा। ही इज़ एन एक्सपर्ट इन ACL रिकन्स्ट्रक्शन एंड ऑल। तो जब मैंने अपना MRI डॉक्टर मनु बोरा को दिखाया तो MRI देख के उन्होंने बोला आप सर्जरी कराओगे, हम स्क्रूज वूज नहीं लगाएंगे, ऑल इनसाइड रिकन्स्ट्रक्शन रहेगा, सो इंटरनल ब्रेसिंग रहेगा। तो उन्होंने कहा था आप 3 मंथ्स में भाग पाओगे, विच सेम्ड लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। कि मैंने उनसे पूछा मेरे लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी जो एक्सीडेंट से पहले थी। सो ही स्माइल्ड एंड ही सेड यस।
तो मैंने फिर उनसे पूछा प्रोसीजर कैसे है, क्या है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन किया, पूरा डायग्राम दिखा के हाउ माई नी लुक्स लाइक, अभी क्या है सिचुएशन, बाद में क्या होएगा सिचुएशन, उस हिसाब से आई डिसाइडेड टू गेट माई सर्जरी डन. फिर उसके बाद फर्स्ट डे, मतलब जब सर्जरी हो गई थी तो आई थिंक 1 week 10 days तक मुझे काफ़ी पेन था नी में, बिकॉज ऑफ विच उन्होंने मुझे पेन किलर्स वगैरह दिए थे. बट नेक्स्ट डे सर्जरी के उन्होंने मुझे वॉक, मतलब अटेम्प्ट टू वॉक था, कॉन्फिडेंस नहीं था ज़्यादा, डर लग रहा था तो ज़्यादा वॉक नहीं कर पाई. बट मैंने बाकी पेशेंट्स को देखा है कि वो सब लोग एकदम सेकेंड डे उठ के ही वॉक कर लेते हैं विदाउट एनी सपोर्ट. फिर उसके बाद उन्होंने नी वगैरह काफ़ी बेंड कराया, तो नी सब बेंड हो रहा था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड थोड़ा सा डर था, तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रही थी, मुझे लग रहा था कि अंदर कुछ टूट टूट तो नहीं जाएगा, बट आई थिंक अच्छा था. सो आफ्टर 10 days उन्होंने जो जो एक्सरसाइजेस बोली थी मैंने सब फॉलो करी, और जैसे जैसे उन्होंने बताया था दिन में 3 बार क्या करना है, कैसे करना है, कितने बार करना है, क्या मेडिसिन खाना है, नहीं खाना है, कैसे करना है, तो वो सब मैंने फॉलो किया. और उसके बाद धीरे 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 मेरा मूवमेंट इम्प्रूव होता रहा, मैंने अपने वीडियोस भी बनाए, थोड़े फ़ोटोज़ भी बनाए टू सी माई प्रोग्रेस, और अच्छे से प्रोग्रेस दिख रहा था मुझे होते हुए, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आने लग गया, वो डर भी ख़त्म हो गया कि कुछ नहीं होगा. मैंने उनसे हमेशा अपने प्रोग्रेस की रिपोर्ट शेयर करी एंड पूछा कि अब मैं क्या क्या कर पाऊँगी, तो जो जो उन्होंने एक्सरसाइजेस बताते रहे. मैंने कोई फिजियोथेरेपी थेरेपिस्ट नहीं लिया था, मैंने सिर्फ उनकी एक्सरसाइजेस जो उन्होंने बताए थे वो सब फॉलो किया. मैंने फिजियोथेरेपी स्टार्ट करी तो उसमें मैं काफ़ी लंजेस, स्क्वाट्स, सूमो स्क्वाट्स, ये सारे एक्सरसाइजेस बताए थे उन्होंने, थोड़ा वेट्स के साथ भी उन्होंने बताया था एक्सरसाइजेस करने के लिए. जैसे ही मेरा प्रोग्रेस होता रहा उन्होंने थोड़ा सा पहले तो उन्होंने बताया था कि 1.5 months के बाद आप जॉगिंग शुरू कर सकते हो, बट मेरा प्रोग्रेस देख के उन्होंने बोला कि आप 1 month के बाद जॉगिंग, स्लाइड जॉगिंग शुरू कर सकते हो, तो मैंने स्लाइड जॉगिंग शुरू करी राइट आफ्टर 1 month ऑफ माई सर्जरी. तो पेन वेन नहीं था, थोड़ा सा ऑफकोर्स इनिशियली डर लग रहा था तो मैं लिम कर रही थी, बट एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं था. धीरे धीरे अपना डर भी ख़त्म किया एंड नॉर्मल जॉगिंग करना शुरू किया. फिर 3 months के बाद मैं दौड़ने लग गई एंड फर्स्ट 5 kilometers भी भागा फिर 3 months के बाद. जब मैंने स्लाइड जॉगिंग किया मैंने उनको अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट्स दिखाया, प्रोग्रेस वीडियोज़ एंड ऑल, तो उन्होंने बोला कि अब आप 3 months हो गया था, उसके बाद उन्होंने कहा अब आप भाग सकते हो. तो थोड़ा सा इनिशियली डर लगा बट मैंने भागना शुरू किया एंड 3 months के बाद मैं एब्सोल्युटली नॉर्मल जैसे मैं पहले भागती थी वैसे भागना शुरू किया. ACL यानी anterior cruciate ligament हमारे घुटने की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है. जब ये टूट जाता है तो घुटने की स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, खिलाड़ी भाग नहीं पाता, लचक खाता है. इसको ठीक करने के लिए ACL सर्जरी की जाती है. ACL सर्जरी मुख्य तौर पर दूरबीन से की जाती है, इसको मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी बोला जाता है, की होल सर्जरी. इसके कुछ एडवांटेज इस तरह से है कि बहुत ही छोटे छेद होते हैं, कैमरे में देख के सर्जरी की जाती है और रिहेबिलिटेशन बहुत फास्ट होता है. अब बात आती है कि सर्जरी कितने प्रकार की होती है. तो ये सर्जरी मुख्यतः 3 प्रकार से होती है. पहली का नाम है ACL रिपेयर विथ फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग. दूसरी का नाम है ACL रिपेयर प्लस ACL रिकन्स्ट्रक्शन विथ फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग. तीसरी सर्जरी ACL रिकन्स्ट्रक्शन विथ फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग. ये सर्जरी तब की जाती है जब खिलाड़ी हमारे पास काफ़ी लेट पहुँचता है चोट लगने के बाद, क्योंकि तब तक उसका जो पुराना ACL है घुटने में वो काफ़ी रीअब्जॉर्ब हो चुका होता है और उसका रिपेयर संभव नहीं होता है. दूसरा, अगर खिलाड़ी का लिगामेंट बीच में से टूटा है या नीचे वाली हड्डी में से टूटा है तब भी उसका रिपेयर संभव नहीं हो पाता है और हमें सिर्फ रिकन्स्ट्रक्शन करना पड़ता है.
इस सर्जरी में हम आपका लिगामेंट आपके ही हैमस्ट्रिंग के टेंडन से बनाते हैं। हम हैमस्ट्रिंग का एक टेंडन निकालते हैं और उसको हम लिगामेंट के रूप में आपके घुटने में बना देते हैं। इस टेक्निक को बोलते हैं ऑल इनसाइड ACL रिकन्स्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग। इस टेक्निक के 3-4 बेनिफिट हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ACL सर्जरी जब हम करते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर इसको नए लिगामेंट को स्क्रू से फिक्स करते हैं। अब स्क्रू वाले फिक्सेशन और ऑल इनसाइड विद इंटरनल ब्रेसिंग में क्या फ़र्क है? जब हम स्क्रू से फिक्स करते हैं आपके लिगामेंट को तो इसमें पैर बैंड करने में 1 से 1.5 महीना लगता है। इसमें काफ़ी दर्द भी होता है पैर बैंड करने में क्योंकि इतने लंबे समय बाद हम बैंड कर रहे हैं। दूसरा, खिलाड़ी जॉगिंग 3 महीने बाद कर पाता है और बैक टू स्पोर्ट्स और रनिंग में जाने में उसको कम से कम 9 महीने लग जाते हैं। जब यही चीज़ हम ऑल इनसाइड ACL रिकन्स्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग से करते हैं तो खिलाड़ी अगले ही दिन अपना नी 90 डिग्री तक बैंड कर पाता है। उसको बहुत ही कम पेन महसूस होता है, वो आराम से बिना किसी मदद के बिना किसी सहारे के चल सकता है नेक्स्ट डे ऑफ सर्जरी। जॉगिंग हम 1 महीने में रिज्यूम कर देते हैं। खिलाड़ी एक्सरसाइजेज जैसे लंजेज और स्क्वाट्स 15 से 20 दिन के अंदर चालू कर देता है और बैक टू स्पोर्ट्स एंड रनिंग खिलाड़ी 3 महीने में कर लेता है। इस सर्जरी में इतना फास्ट रिहेबिलिटेशन इसलिए हो पाता है क्योंकि जब हम ऑल इनसाइड तरीके से ACL का रिकन्स्ट्रक्शन करते हैं तो दोनों ही हड्डियों में बहुत ही छोटे छेद होते हैं और हम आपका इसमें एक ही टेंडन का उपयोग करके आपका लिगामेंट बना देते हैं। साथ में इसको जब फाइबर टेप से हम इंटरनल ब्रेसिंग करते हैं तो हम खिलाड़ी को जल्द से जल्द एक्सरसाइज करवा सकते हैं, रिहेबिलिटेशन करा सकते हैं और वापस खिलाड़ी 3 महीने के अंदर स्पोर्ट्स में चला जाता है। जब मैंने भागना शुरू किया तो मैंने उनको एक वीडियो भेजा, उसमें हल्का सा लिंप था बट उन्होंने बोला कि नहीं भागते रहो, वो लिंप तुम्हारे माइंड में है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मुझे कोई पेन नहीं हो रहा था नी में बट थोड़ा सा डर की वजह से आई थिंक मैं लिंप कर रही थी। तो आई थिंक रेगुलर प्रैक्टिस से 4-5 डेज के बाद मेरा लिंप भी जा चुका था एंड मैं काफ़ी तेज़ मैं काफ़ी प्रोग्रेस भी तेज़ दिख रही थी तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा था और मैं ज़्यादा जल्दी भागने लग गई। फिर आई थिंक आफ्टर 15-20 डेज के बाद मैंने 10 किलोमीटर्स में भी पार्टिसिपेट किया जो हाफ मैराथन्स थे एंड मैंने अपना रेस कंप्लीट कर लिया था एंड मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा दैट आई एम बैक ऑन ट्रैक। 3 मंथ्स के बाद जब मैंने भागना शुरू किया, अब मुझे 1 ईयर हो गया भागते भागते एंड काफ़ी रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हुए मोटरसाइकिल भी राइड करने लग गई हूँ मैं। नी बहुत स्ट्रांग हो गया है, फ्लेक्सिबिलिटी 100% आ गई है और मैंने अभी 5 रन्स में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर लिया है 15 किलोमीटर्स 2:21 किलोमीटर्स। मेरा नेक्स्ट मंथ एक और 21 किलोमीटर है जिसमें मैं अपना टाइम बीट करने वाली हूँ। मैंने 21 किलोमीटर्स 2 hours 6 minutes में किया है। आई एम एमिंग कि मैं उससे डेफिनेटली कम में करूँगी। तो मैं अभी आपको एक छोटा सा डेमो दिखाती हूँ ऑफ हाउ आई कैन सी माई प्रोग्रेस।